और आज जवाब दे दिया है एक लुहार की। भारत माँ के दो लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, ये देशद्रोही है। और आज मिल के मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की। ऐतिहासिक किसान महापंचायत में आए हुए सभी साथियों, कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। पिछले 100 दिन से सरकारी और दरबारी लोग कह रहे थे ये आंदोलन तो ढीला पड़ गया जी, ढीला पड़ गया। 100 सुनार की और आज जवाब दे दिया है 1 लुहार की। हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आप सब लोग, जवाब दिया है ना, तो जरा हाथ उठा के बताओ जवाब दे दिया। ये देख लो मीडिया के साथियों, ये देख लो दरबारी और सरकारी लोगों जो कह रहे थे ये आंदोलन ढीला पड़ गया। अरे ये ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, मुजफ्फरपुर शहर छोटा पड़ गया इस रैली के लिए आज तो। अच्छा जोश की बात हो गई, अब थोड़ी सी होश की बात कर लूं भाई। जब हम अपने अपने घर वापस जाएंगे तो जो चार बात तो उंगली पे लेके जाएंगे ना, जो बोलेंगे, तो मैं आपके सामने पिछले 5 साल में अजय बिष्ट की इस योगी सरकार ने जो किसान के साथ उत्तर प्रदेश में किया है उसकी चार्जशीट आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 साल और 5 पाप इस सरकार के मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी हथेली खोल लो और उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो भाई और बहनों। पहली उंगली सबसे छोटी उंगली पे पकड़ लो, अपने हाथ खोल लो और अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने RTI की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। क्या बोलेंगे साहब, योगी नहीं, योगी नहीं। नंबर एक। अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई। सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा। यहाँ गन्ने के किसान कितने हैं भाई, अपना अपना हाथ खड़ा करियो गन्ने के किसान। अब बताओ पिछले 4 साल से सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है कि नहीं? अरे अच्छे से हाथ उठा के बताओ बढ़ाया है कि नहीं? नहीं बढ़ाया। अरे वो तो छोड़ दो, पिछला बकाया दे दिया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में 7,295 करोड़ रुपया पिछले सीजन का पड़ा है, 4,800 करोड़ रुपया उससे पहले का बकाया है, हो गए 12,000 करोड़। और बीजेपी ने कहा था कि हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे। 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये सरकार किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं, अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं,
अब तीसरी बात पकड़ लो भाई, तीसरी उंगली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे, बोला था ना कि भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी, सारी फसलों की हम एक एक दाना खरीद करेंगे। पता है कितनी खरीद की? गेहूं की 18% यानी कि 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है। सरसों की 1%, 100 बोरी में से 1 बोरी, और चने की 0, मूंग की 0, मसूर की 0, सोयाबीन 0, मक्का 0। ये सरकार खरीद नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाज है। योगी नहीं जुमलेबाज है, योगी नहीं, पीछे से आवाज ना आई मेरे को भाई, योगी नहीं। नरेश टिकैत तो चले गए थे जब भी। अब चौथी उंगली पकड़ लीजिए, नरेश टिकैत जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था, और आज कितने का है? पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था, हो गया 72 का घट के 47, और इतने में क्या हुआ? जो कंपनियां हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे दो वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया फसल बीमा के नाम पे। किसान से 2500 करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है। तो ये फरेब करते हैं, योगी नहीं फरेबी है, योगी नहीं फरेबी है, योगी नहीं फरेबी है। और बस अब आखिरी बात, ये अंगूठा अपना देख लो भाई, इस सरकार ने किसानों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो और राज करो की नीति की, वही काम इस योगी सरकार ने किया है। जाति की बात तो आप पूछो मत, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जातिवादी सरकार ना आई। देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में हर मंत्री की जाति गिनाई गई। और धर्म, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही है, ये योगी नहीं देशद्रोही है। भारत माँ के दो लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, ये देशद्रोही है। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूँ हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे।